झारखंड के डुमरी उपचुनाव में INDIA प्रत्याशी बेबी देवी लगभग 17,000 वोटों से जीत हासिल किया। उन्होंने अपने निकटतम एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को हराया। जानकारी हो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से सीट खाली हुई थी। INDIA की ओर से यहां दिवंगत महतो की पत्नी बेबी देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से खड़ी थी। इस तरह एनडीए ने यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया था। वो आजसू पार्टी की प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर हुई। 15वें राउंड की काउंटिंग के बाद बबीता देवी ने बढ़त बनाई। इसके बाद वोटों का अंतर बढ़ता गया। ये बढ़त अंतिम यानी 24 राउंड तक जारी रही। 24वें राउंड की मतगणना के बाद JMM प्रत्याशी बेबी देवी को 135,480 वोट मिले और इसी तरह आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी को 118,380 वोट मिले और इसी तरह JMM प्रत्याशी बेबी देवी 17,100 वोट से जीत गई। जीत के बाद INDIA खेमे में खुशी जाहिर करते देखा गया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।